और हुकूमत नहीं है लेकिन मंसूबे पुरानी हुकूमत के हैं, कैसे ये बताएंगे बशीर चौधरी। बशीर चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नई बोतल में पुरानी शराब बेचने में लगी हुई है और सबका हुकूमत के कई मंसूबे जिनको खुद तहरीक इंसाफ तनकीद का निशाना बनाती थी, जिनमें वज़ीर आज़म की लैपटॉप स्कीम थी, वज़ीर आज़म की जो यूथ स्कीम थी, इसी तरह जो वज़ीर आज़म का ताजरों के लिए प्रोग्राम था, सब्सिडी प्रोग्राम था, उन तमाम को जो है वो तहरीक इंसाफ तनकीद का निशाना बनाती थी। लेकिन वो सारे प्रोग्राम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ जो है वो सामने भी ला रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने कौमी हेल्थ प्रोग्राम सेहत कार्ड का जो है वो इजरा किया, तो अब मालूम ये हुआ है कि ये जो हेल्थ कार्ड है ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 31 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया था। इब्तदाई तौर पर ये प्रोग्राम इस्लामाबाद और जो कबायली इलाके थे उनके लिए था, बाद अज़ां इसका दायरा कार दीगर सूबों तक भी इसको जो है वो वसअत दी गई। वज़ीर आज़म ने हेल्थ कार्ड का इजरा उस वक्त वज़ीर आज़म ने भावलपुर, भक्खर, जैकबाबाद, हरीपुर और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी किया था और कई जगहों पर ऐसे प्रोग्राम हुए थे जिनमें शरीक हुए थे। अब जब वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम किया है, बहुत शुक्रिया आपका बशीर।